तो पहले मैं रिवीजन करा रहा हूँ मॉड का, प्लीज रिवाइज इट फॉर मी। मॉड एक्स कैसे ओपन होता है एवरीवन? सर अगर साइन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साइन इफ एक्स इज लेस देन 0 अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है तो, करेक्ट ना? यस सर। ओके सर, माइनस के साथ ओपन करते हैं अगर एक्स नेगेटिव है तो, हां है ना? यस सर। नहीं पता एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है तो हम दो केसेस लेते हैं और प्लस माइनस yes, दोनों के साथ ओपन होते हैं, करेक्ट एवरीवन? यस सर। लाइक आई आस्क यू एक्सपांड मॉड ऑफ एक्स माइनस 4, तो तुम बोलोगे सर ये तो प्लस माइनस दोनों के साथ ओपन होगा, एग्री करो? हां सर। यस सर। बट अगर अब मैं एक्स बोल दूं इट इज ग्रेटर देन लेट्स से 10, तो प्लस एक्स के साथ चुप 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 2 सेकंड्स लो, सोच लो, इंस्टेंट आंसर नहीं चाहिए। अच्छा x 10 से बड़ा और हमें x माइनस 4 के बारे में बोलना है, तो x माइनस 4 ऑलवेज पॉजिटिव हो गया ना? यस सर। सो प्लस साइन के साथ आए ना? यस सर। डाउट है तो समझा रहा हूँ, अगर x 10 से बड़ा है तो x माइनस 4 6 से बड़ा है, हाँ है ना? यस सर। मुझे 6 मतलब नहीं है, मुझे तो पॉजिटिव से मतलब है, पॉजिटिव है नहीं ऑलवेज? यस सर। प्लस साइन के साथ ओपन होगा। If x, x is less greater than 4.2, then positive. Positive. I hope that is clear. If x is less than 4, then negative. Negative. क्यों? क्योंकि अभी अंदर वाला पार्ट नेगेटिव हो गया है, हाँ ना? Yes. हाँ सर। If x is between 2 to 5. x minus 4 belongs to कितना हो जाएगा देखो, minus 2 से 1, हाँ है ना? मॉड के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, एग्री करो? यस सर। यस सर। यस सर। का मतलब इट विल डिपेंड, दोनों केसेस के साथ ओपन होगा, हाँ है ना एवरीवन? यस सर। तो मॉड के बारे में इतना डेप्थ से पढ़ लिया बस काफी है, बाकी तो डेप्थ चैप्टर में देखेंगे, इतना कुछ काम का नहीं है। But now let's learn about under root x square, which is mod x. Why? Let's discuss it. इधर देखो, under root 5 square is under root 25. हमारा आंसर 5 होना चाहिए, plus 5, agree करो? Yes sir. Yes sir. Minus 5 का square is also under root of 25, agree करो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो उसका plus 5 ही होगा, correct? Yes sir. माइनस फाइव में इंटरप्रेट करने के लिए आई कैन से कि एक्चुअली आंसर माइनस ऑफ माइनस फाइव आया, एग्री करो? यस सर। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ही था और एक्स प्लस फाइव था, एग्री करो? यस सर। यू से गेट कंफर्टेबल? यस। फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज प्लस फाइव और आंसर आया फाइव व्हिच इज एक्चुअली प्लस एक्स, एग्री करो ऑल ऑफ यू? कम ऑन। यस सर। फर्स्ट पार्ट को फाइव सेकंड्स के लिए और देखो और कंफर्टेबल हो जाओ कि यस इट वाज अंडर रूट एक्स स्क्वायर वेयर एक्स वाज पॉजिटिव, सो द आंसर वी गॉट इज प्लस एक्स, यस और नो? यस सर। यस सर। इज द सेकंड क्वेश्चन आल्सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। वेयर एक्स इज कौन है? माइनस फाइव। और आंसर आया माइनस ऑफ माइनस फाइव, that is is minus 5 ki jagah x rakh dun, can I say answer minus x aaya all of you? Yes sir. Come on all of you. Yes sir. Yahan se mujhe dikh raha hai ki under root x square ka answer plus x aaya, yahan se mujhe dikh raha hai under root x square ka answer minus x aaya, yahan pe plus x isliye aaya kyunki x greater than 0 tha, agree kar all of you? Come on. Yes sir. Yes sir. Minus x isliye aaya kyunki x less than 0 tha, all of you agree? Yes sir. सर। वो दिख रहा है कि ये प्लस एक्स और माइनस एक्स को टुगेदर हमें क्या लिखना चाहिए? कम ऑन, मॉड एक्स। मॉड एक्स अपने आप हो जाएगा ना कि इट विल ओपन विद प्लस साइन इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। इट ओपन विद माइनस साइन इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। देख लो ये फार्मूला अगर हमारे पास है तो भली मैं एक्स को माइनस फाइव रख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव का स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे? मॉड ऑफ माइनस फाइव, and the answer will be 5. Is that clear everyone? Yes. इसको मैं रख सकता हूँ minus 7, तो under root of minus 7 का square answer will be mod of minus 7, so answer will be 7. copy कर लो जो भी करना चाहते हो, ये सब नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, जो तुम्हारी इच्छा है।
ये एक दो एग्जांपल लिख लो काफी. करेक्ट पुष्पम. Everyone हो गया क्या बच्चों? Yes sir. Yes sir. Yes sir. किसी को doubt यहाँ था? नहीं sir. चलो एक question करो जल्दी से. सर इसका आंसर आपको भेजना. नहीं नहीं लिखने की जरूरत नहीं. दिस आर बेसिक एग्जांपल्स. दोनों फिनिश करो. मैं एक साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. हरी अप. Yes, everyone done? Yes, sir. Sir, 2 minutes. 10 seconds. 2 minutes में तो दुनिया इधर उधर हो जाएगी नहीं? Sir, 10 seconds. 30 seconds. Sir, are we done now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please listen what I'm telling you. मुझे इसका आंसर कभी भी फाइनल आंसर नहीं चाहिए. सबसे पहले हमेशा आदत डालोगे मॉड लिखने की. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Note expert देखते ही मॉड लिखोगे. जिस बच्चे ने मॉड नहीं लिखा वो मुझे पता लगा गाना गाएगा. सुन लिया? Everyone, next time कभी भी. Yes, sir. बता रहा हूँ क्योंकि एक साल के बाद बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं इसको. सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट टू डेवलप दैट हैबिट कि आंसर डायरेक्ट लिखना ही नहीं, पहले मॉड चाहिए मुझे. बिल्कुल क्लियर. चलो अब बताओ, अब मॉड कैसे ओपन होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन सी? एवरीवन प्लस साइन प्लस साइन प्लस एक्स इज लेस देन 3 माइनस साइन टू एक्स इज ग्रेटर देन 5 कम ऑन प्लस साइन प्लस साइन. x माइनस 5 मत लिख देना, कबाड़ होगे जरा कुछ ऐसा. हां सर. कोई डाउट यहां तक? नहीं सर. एनीबॉडी? नहीं सर. चलो नेक्स्ट. अंडर रूट ऑफ cos² थीटा क्या लिखेंगे सबसे पहले?
mod cos theta. Mod will open with plus or minus sign depending upon cos theta positive hai ya negative hai. Clear na? Yes sir. Second quadrant. Bolo kaise open hoga? Negative sign. First quadrant kaise open hoga? Positive sign. अच्छा नीचे वाला करोगे बट एक सुनो लिखो मत स्टॉप राइटिंग एक चुन्ना मुन्ना क्वेश्चन मेरे साथ कर लो थीटा बिलोंग्स टू लेट्स से पाई बाय टू से पाई अंडर रूट ऑफ टू माइनस टू साइन थीटा इधर देखो थ्री पाई बाय टू से टू पाई कर दिया चले करें एवरीवन यस सर एग्जांपल तुम्हारे थॉट प्रोसेस के लिए बोल रहा हूँ टू कॉमन लूंगा और याद है तुम्हें मैंने एक टिप दी थी कि अंडर रूट के अंदर के अंडर रूट हो तो फिर वो कॉस थीटा वाले फॉर्मूला लगते हैं मैंने क्वेश्चन में हां सर दिया था आपने धीरे-धीरे अब दिमाग में डालनी पड़ेगी ट्रिक्स एंड टर्म्स सो यस यहां पे मैंने 2 कॉमन लिया एवरीवन रिमेंबर व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाय थीटा बाय 2 तो ये हो गया क्या लिखूं अब नेक्स्ट स्टेप बोलना फाइनल आंसर नहीं मॉड के अंदर रख सकते हो या बाहर निकालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नाउ मॉड विल मॉड विल ओपन विद प्लस साइन और माइनस साइन डिपेंडिंग अपॉन थीटा और थीटा बाय टू थीटा बाय टू के बारे में निकालना चाहिए ना एवरीवन पाई बाय फोर से पाई हो गया एग्री करो ऑल ऑफ यू Yes. मतलब theta by 2 is in which quadrant? Fourth quadrant. Second. Third quadrant. अपनी आंखों का चश्मा का नंबर लग रहा हो ये 3 pi by 4 से pi कौन सा quadrant होता है? Fourth होता है. Second. Quadrant. सबको दिख रहा है? हाँ sir. Not ask which quadrant theta lies. I ask which quadrant theta by 2 lies. By 2. Yeah, सबको clear है कि theta by 2 second quadrant में all of you? Yes. में sign क्या होता है? Positive या negative? Positive होता है. कैसे open होगा? Plus 2 sign के साथ. Theta by 2. बिल्कुल clear? Yes sir. Copy करने की जरूरत नहीं तुम्हारी आंखों के सामने नीचे वाला question start करो. वहां पे दो तीन बार ये सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी क्योंकि दो अंडर रूट है इसका आंसर भले चैट पे लिख सकते हो बट आई होप तुमने अब स्टार्ट किया है पहले स्टार्ट कर रहे हो तो आई डोंट कंसीडर योर आंसर क्यों क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात और करना चाहते हो करते रहो फिर मैं भी तुम्हारे ध्यान नहीं दे रहा प्लीज डोंट ट्रीट दिस एज अ क्विज क्वेश्चन की और बहुत जल्दी कर लिया तो झंडे गाड़ दिए यूं थे ना I'll give everyone enough time, तभी मैं answer yes or no करूंगा, तो तुम्हें लिखना हो, भले लिख लो, मैं अभी हाँ या ना नहीं करना, क्योंकि मैं सबको time देना चाहता हूँ. I hope अपने button जैसी आंखों से focus कर रहे हो, 2 theta के बारे में दे रखा है. Yes, sir. बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं प्लीज बी एडवाइज्ड आराम से करो हर एंगल को चेक करते जाओ मॉड यूज करो अदरवाइज अखिल अनव नीलेश आयती सब गलत कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं धीरे करो आराम से करो डोंट बी इन हरी जैनम बहुत जनों का गलती है गौरव नालायकों जूते पड़ेंगे आराम से करो बहुत जनों का सही आया ही रहा है बट अभी मैं हाँ या ना नहीं कर रहा हूं
After 30 seconds, I'll do that. चलो अब मैं देख रहा हूँ अनुश्री रॉन्ग सिद्धेश करेक्ट नहीं सिद्धेश की भी मिस्टेक है कार्तिक रॉन्ग तनिष रॉन्ग अनन्या करेक्ट धनय पता नहीं क्या हाँ सही आई थिंक ऑप्शन लिखो यार आंसर मत लिखो मेरे को टाइम नहीं है अनिकेत करेक्ट क्षितिश करेक्ट रामर्थ रॉन्ग बहुत ज्यादा आंसर आ रहे हैं कौन चेक करे अलका रॉन्ग लक्ष्मी पता नहीं गया पुष्पम करेक्ट आदर्श करेक्ट अनुश्री रॉन्ग तन्मय करेक्ट अग्रिमा करेक्ट दार्मी करेक्ट अनवी करेक्ट लक्ष्मी रॉन्ग प्रांशु गया आपका नहीं विधान करेक्ट चलो इसका तो मैं बता रहा हूँ प्लीज सी ऑन द स्क्रीन बच्चों सबसे पहले ये इनसाइड वाले अंडर रूट को सॉल्व किया 2 common 1 plus cos 4 theta that is 2 cos square 2 theta correct everyone yes sir yes sir iska answer aa gaya 2 mod cos 2 theta correct yes sir yes sir aur ab 2 theta kaun se quadrant mein third quadrant third quadrant mein cos kya hota hai negative kon hoga with negative sign yahan tak to sabne sahi kara mere desh ke bhavishya hain yes sir nice yes sir इसका आंसर आया है अभी तक ये सर्कल वाले का आंसर आया है क्लियर ना नाउ अब मुझे निकालना है 2 प्लस माइनस 2 cos 2 थीटा क्लियर एवरीवन यस सर यस सर दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज 2 इनटू 2 sin स्क्वायर थीटा दैट इज क्या लिखूं नेक्स्ट स्टेप बोलना अब थीटा के बारे में निकालना है तो निकाल लो 2 थीटा लाइज बिटवीन पाई टू 3 पाई बाय 2 तो थीटा लाइज बिटवीन पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 4 करेक्ट एवरीवन यस सर प्लस सेकंड क्वार्टर तो बहुत बच्चों ने यहां पे गलती करी है करेक्ट और नॉट किसी को डाउट यहाँ तक फाइव सेकेंड्स मोर टू कॉपी No doubt, right? No, sir. Next question. If under root of 1 minus sin A divided by 1 plus sin A, I think booklet ka question hai, but theek hai karo. Is equals to 1 minus sin A by cos A for all permissible values. Permissible matlab समझ रहे हो उल्लू बना के बोलता है बस डोमेन के अंदर की वैल्यूज हाँ सर हाँ सर फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ ए देन ए लाइज इन विच क्वाड्रेंट बिल्कुल इजी है सर कॉन्फिडेंस आना चाहिए मतलब ए की कोई भी वैल्यू के लिए लेफ्ट और राइट सेम होना चाहिए तो ऑब्वियसली यू शुड सिंप्लीफाई विच विच साइड एलएचएस एलएचएस करो जल्दी सर सोच के करो डोंट बी इन अ हरी हाँ ठीक है अनिकेत आकिब सही अनव सही शौनक रॉन्ग मोहम्मद रॉन्ग ललित रॉन्ग सिद्धेश रॉन्ग जल्दी और करते रहो जल्दबाजी यस ऋषभ बिल्कुल सही है कि ऑल वैल्यूज ऑफ ए ट्रू है मतलब आइडेंटिटी है यस
No, Pushpam. Tanmay wrong. Vivan Sai. Akshat wrong. Chitish correct. दो क्वाड्रेंट आएंगे ऐसे उल्लू मत बनो यार इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ ट्रू होता है गधे की तरह सोचते हो लेफ्ट साइड को सिंपलीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं रैशनलाइज कर रहे हैं करेक्ट ना यस सर यस सर यस सर करो 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 जल्दी से चलो इनफ टाइम प्लीज सी ऑन द स्क्रीन नाउ न्यूमरेटर में क्या हो गया 1 माइनस साइन इनटू 1 माइनस साइन दैट इज 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन दैट इज अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए सही लिखा है ना अभी तक एवरीवन यस सर यस सर अब तुम्हें पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर देख के एकदम से हटाओगे नहीं आया है ना हां सर मॉड ऑफ मॉड मॉड ऑफ कॉस मॉड 1 माइनस साइन ए सही लिखा है एवरीवन यस यस सर मुझे आराम से इसके बारे में बताओ वन माइनस साइन वाले मॉड के बारे में टेल मी ऑलवेज पॉजिटिव मैंने कल भी एक बार बताया होगा यार ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है हां है ना एवरीवन यस सर सो मेनी उतने उसके देख लो जल्दी से यस नो यस सर ऊपर वाला मॉड कैसे ओपन होगा एवरीवन प्लस साइन के साथ प्लस साइन के साथ और नीचे वाला मॉड दोनों प्लस माइनस के साथ हो सकता है एग्री करो Yes, sir. पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर वैल्यू के लिए ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन दिखी क्या कि मॉड कॉस ए को प्लस साइन के साथ ओपन होना है तब हमेशा ट्रू होगा एवरीवन आई होप दिमाग में बैठा है अच्छा लेफ्ट और राइट हमेशा इक्वल जब होगा जब मॉड ऑफ कॉस विद ओपन विद प्लस साइन अब तुम खुद बताओ yes, और करेंगे उससे कॉन्फिडेंस आएगा और मॉम Good out. Can I change the page then, everyone? Yes, sir. Sir, 2 seconds. हो गया शर्वन? Yes, sir, done. अभी wait बोलना हूँ बोल दिया करो तो तुम्हारे अपना हक का ध्यान रखना पड़ेगा. So, if A belongs to second quadrant, then simplify. One minus sine A divided by one plus sine A plus one plus sine A divided by one minus sine A.
अपने बच्चों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। सबका सही है, जिसका गलत है बस उसका नाम ले रहा हूँ, सबका ही सही है, वेरी गुड वेरी वेरी गुड। धार्मी, अनिर्वन, आदित्य, नलेश, अद्वय, ललित, वेदांत, आदित्य, अद्वय, नलेश, सबका सही है। नैनिका, अनव, राघव, प्रांशु, देवम, प्रकाश, अमना, सब सही है। आर्यन, सिद्धार्थ, जयनाम, लक्ष्मी, अंजलि चेक करो, रोमीर चेक करो, तन्मय सही है सब, विनायक चेक करो, बाकी सबका सही है। आदित्य जिंदल चेक करो, ओजस वर्मा चेक करो, बाकी नटनी आगम जो अथर्व विभूषिता सब सही है। मोहम्मद सही, आयुष सही, विनायक अब सही हो गया, मिहिर सही, आदित्य देव चेक करो, ओजस सही हो गया, रामल सही, तन्वी सही, अदर सही, राणा गलत, राणा अच्छा एक्स्ट्रा का बोल रहा है ठीक है, निधि सही, सब सही। इसका ये आकाश चेक करो, सोया सोया समथिंग कुछ है वो चेक करो, ओके इनफ टाइम आई थिंक सबका हो गया है। यस सर। कौन सा चिल्ला के बोलो कौन सा है? लवली। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जिसका नहीं हुआ तो होना चाहिए था, सेम टाइप का क्वेश्चन दिया मैंने, रैशनलाइज करेंगे करेक्ट ना? यस सर। अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस sin * 1 प्लस sin अपॉन कॉस स्क्वायर, नीचे मॉड कॉस, ऊपर मॉड 1 माइनस sin, ऊपर मॉड 1 प्लस साइन, नीचे मॉड कॉस। ओके मॉड 1 प्लस साइन ओपन्स विद पॉजिटिव साइन, मॉड कॉस ओपन्स विद, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव। यहां पे ये वापस प्लस साइन के साथ ना है एवरीवन? यहां और ये माइनस साइन के साथ कॉस का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे माइनस इसके साथ इन्वॉल्व करना, आई होप इतना लिख सकता हूं मैं किसी नालायक के लिए। सो कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन माइनस 1 माइनस साइन, सो माइनस 2 बाय कॉस ए इज माइनस 2 sec ए। अब तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो गया? हां सर। हां सर। सर सर एक्स्ट्रा का साइन स्क्वायर होना चाहिए, साइन अल्फा होगा तो अल्फा बाय 2 में आंसर आएगा, स्क्वायर नहीं फॉर्म होगा। हां ठीक है साइन स्क्वायर हो गया भाई अब तो। यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा यूं चैप्टर भी चालू करूंगा, बट एक चीज पढ़ाता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक। If 2 cos x plus 3 sin x या sin x equals to 1, देख देते हैं, देख पता नहीं कैसा ही है क्वेश्चन, बना है नहीं बनाया वो देख लेंगे। Is satisfied by 2 values of x which is x1 and x2, then find first part cos x1 plus cos x2, second part cos x1 into cos x2, third part sin x1 plus sin x2, fourth part sin x1 into sin x2, next part tan x1 by 2 plus tan x2 by 2। ऐसे में बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूँ,
तो ये आता है या ये मैं करूं ट्राई कर ट्राई छोड़ो यार मैं पता ये नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चीज है सर 2 ए सर बुकलेट में था ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है बट मैंने शायद से कल वीडियो सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं तो एक्सरसाइज 3 में लिखा हुआ है सर इधर देखो मेरे साथ ये x1 और x2 कौन है इसकी वैल्यूज है x की दो वैल्यूज है मतलब एक रिलेशन ये भी ट्रू है भी करो 2 cos x1 plus sin x1 is 1 आया ना यस सर यस सर x2 plus sin x2 is equals to 1 करेक्ट ना यस सर तो यूजुअली तो टू वैल्यूज से हमारे दिमाग में क्वाड्रेटिक आता है कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं एक तरीके से करेक्ट ना यस सर सर ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं आया ना यस सर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो x की वैल्यू से स्टिल सेटिस्फाइड रहेगी किससे x1 और x2 से यस नो यस सर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली स्क्वायर करना है बट किसका स्क्वायर करना है तो बाय द वे sin x को उधर ले जाके स्क्वायर करूंगा तो इक्वेशन किस में बनेगी sin x में एग्री करो यस सर 4 cos square x is 1 plus sin square x minus 2 sin x करेक्ट है क्या लिख देंगे बच्चों सब कुछ राइट साइड में ले गया क्वाड्रेटिक क्या बन गई 5 sin square minus 2 sin x minus 3 equal to 0 करेक्ट है बच्चों यस सर अब डोंट थिंक ऑफ कि क्वाड्रेटिक सॉल्व हो रही है अभी सॉल्व हो रही है मैं तो कुछ कबाड़ा चेंज कर दूंगा कि सॉल्व फैक्टराइज करके नहीं होगी चलेगा ना यहाँ तक तो अगर मैं x1 रखूंगा तो t कौन है sin x1 एग्री करो कमॉन यस सर मैं x2 रखूंगा तो t कौन है sin x2 यस ऑर नो sin x2 यस सर यस सर अगर आप मुझे ये चाहिए तो ये तो सिंपली सम ऑफ द रूट्स हो गया ना काटो ना हां सर यस सर मुझे ये चाहिए तो ये सिंपली क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कमॉन यस सर यस सर और मैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक एवरीवन हां सर हां सर कॉपी करना है कुछ या क्या सी पार्ट तुम निकालो तो चैट पे आंसर लिखना है नहीं कोई जरूरत ओके सर हो गया क्या सबका नहीं चलो जल्दी करो पहले तो कॉपी करो एंड देन स्टार्ट द सी पार्ट
अगर cos x1 plus cos x2 चाहिए होता तो फिर cos में quadratic बना लेते, करेक्ट ना? Yes sir. Yes sir. तो अगर c में tan x1 by 2 टाइप का बनाना है, मतलब मुझे quadratic tan x by 2 में चाहिए, करेक्ट ना? Yes sir. क्या cos x और sin x दोनों का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan x by 2 के टर्म्स? सर वही क्या है? हाँ सर वही ट्राई कर। जल्दी करो। सर आपको आंसर भेजें या फिर रहने दें? नहीं रहने दो, कुछ जरूरत नहीं। अच्छा सर। चलो आई थिंक हो गया, देख लो अब मेरे से नहीं हुआ किसी से तो 2 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 10 एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 यही होता है ना? सब कुछ राइट साइड में, अब ले जाते हैं 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है? अब ये t के दो रूट्स कौन होंगे एवरीवन? तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया? 2 बाय 3, करेक्ट? 2 बाय 3। कोई डाउट? नो सर। सर मैं राणा। सर अगर हम लोग को cos x plus cos x 1 cos x 2 चाहे sin x 1 sin x 2 जो भी निकालना है तो हम लोग को उतने बार उसके इसमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, कोई एक निकाल के दूसरे के लिए शॉर्टकट नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, निकालना ही पड़ेगा। ओके सर, कर सकता है बट वो और लंबा है, कोई मतलब नहीं। अच्छा हो गया, दो मिनट से कॉपी करना। कॉपी करने की हर बार जरूरत क्यों होती है शर्वेन, खुद से क्यों नहीं करता है? नहीं नहीं सर, मैं दूसरे बुक में सॉल्व करता हूँ सर। तो वो दूसरे बुक में करता है तो वो बाद में कर, अभी था ना ये सब। ओके सर, ओके सर। तू एक बार फेयर में कर रहा है फिर एक बार रफ में कर रहा है तो ऑब्वियसली वी कांट अलॉट टाइम फॉर ट्वाइस। Yes sir. Can I move on everyone? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अच्छा देखना पैराग्राफ, सुनना पहले सुन लो पैराग्राफ में मैंने क्या दिया हुआ है, पढ़ के देखो। Sir these are some sir cubic के sum product दिए sir। Cubic का sum of the roots के बारे में information दी है, correct है? हाँ sir। क्यों? क्योंकि का sum of the roots अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, is that clear? चुप रहे यार, तो ये पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, जिसको नहीं पता है वो लिखेगा। क्लियर? यस सर। स्टार्ट।
सर आपको आंसर लिखना है चैट पे। हाँ लिखते हैं बच्चे बोलिए। करेक्ट है करेक्ट है, जो जो लिख रहे हैं सब सही है। लक्ष्मी चेक करो। हाँ आई नो इजी बिल्कुल। सबका सही है। आयुष चेक करो ध्यान से। देखो एक्स स्क्वायर का टर्म गायब है तो यू नहीं कि जो है बस उसके हिसाब से लिख दिया। एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट जीरो मानो। अब थोड़ा समझ गए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं, हो सकता है पहला आइडिया नहीं हो। करेक्ट वी आर टॉस फॉर्मूला बोलते हैं सर। या आई थिंक हो गया है। यस सर। यस बहुत इजी है, जल्दी से कॉपी करो और जल्दी से डू इट। कार्तिक मिस्टेक। चलो एनीवे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज 1/4। 16 cos क्यूब थीटा प्लस 0 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यही क्यूबिक है ना एवरीवन? यस सर। अगर सी में क्यूबिक है, cos को मैंने सी लिख दिया तो इसके तीन रूट्स cos अल्फा cos बीटा cos गामा है एवरीवन? यस सर। यस यस तीनों का सम इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 16। क्लियर है ना? अरे उसके आगे जीरो भी तो है। चलेगा सबको? यस। किसी को डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करो। ये मैंने शायद सर किसी को दिया था एक बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर। हाँ सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। सर वो थर्ड लाइन में कॉस थीटा जीरो है क्या? बोल रहा बच्चे सर वो साइन थीटा वन इक्वल बाय साइन थीटा है। बहुत क्लियरली दिख रहा है, टाइप्ड है तो मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो सतीश सॉल्व हुआ था या फिर सॉल्यूशन देखा है? सतीश राणा। और यस सर मैंने तो आज सुबह ही सॉल्व किया था तो जल्दी हो गया। ये तो मॉड है ऑब्वियसली। यस सर। No, Janam, not correct.
अच्छा सबको स्टार्टिंग बता देता हूँ मैं, इन दो रिलेशन से मुझे दिख रहा है कि cos theta by cos theta 2 plus sin theta by sin theta 2 is equals to 1. This relation is satisfied for two values of theta to be theta naught and theta 1. क्या ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. देखो मैंने इसकी जगह थीटा लिख दिया, इसकी जगह भी थीटा लिख दिया, थीटा थीटा, तो ये रिलेशन थीटा को या तो थीटा जीरो या थीटा वन रखने से ट्रू हो रहा है। अब बताओ, दिमाग लगाओ मेरे साथ, इधर देखना, ये मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. अगर मैं क्वाड्रेटिक किसको बनाऊंगा? cos थीटा में, cos, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा अगर मैं क्वाड्रेटिक किसमें बनाऊंगा? दिमाग लग रहा है? Yes. Yes, sir. Okay. चैप्टर फिनिश हो गया, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, जिसका हो गया वही करेगा, बाकी सब यही करेंगे। Is product of the roots. क्या बोल रहा बच्चे? सर लास्ट पे नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा था। यहाँ तक सबको समझ में आ गया एवरीवन?
हां भाई सर सर यहां पर तो cos theta by 2 थ्योरम कितना हो जाएगा थोड़ा तेज बोलेगा तो मैं सुन सकता हूं नहीं सर सॉरी सॉरी हो गया आई होप ये नीचे समझ में आया ये 1 अपॉन आएगा क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट यहां नहीं है डिवाइड में क्लियर ना हां सर हां अब सिमिलरली कर लो यार इतना टाइम वेस्ट मत कराओ मेरा sin theta not into sin theta 1 सिमिलरली करोगे ये आ जाएगा जल्दी से फाइनल आंसर लिखो अंशु करेक्ट स्वरादीप मोड है मोड सिद्धार्थ करेक्ट तो थोड़े डिफिकल्ट सेंस में जैसे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है ऑब्वियसली है तो थोड़ा इस सेंस में स्ट्राइक तो हो रहा है ना बच्चों चीजें तो समझ में आ ही रही है एवरीवन हां सर तुम भी बताओ डिफिकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि वेरिएबल्स बहुत सारे हैं अगर यही कांस्टेंट्स होते तो इजी रहता हां है ना यस सर बहुत इजी हो गया ऐसा ही डिफरेंस आता है यार तो जल्दी से आंसर अब तो आ ही गया यार कम ऑन रख दो बस वहां पे जो पूछा है मॉडुलस ऑफ क्या पूछा है देख लो cos थीटा 1 cos थीटा नॉट डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 पहले की वैल्यू माइनस cos 4 थीटा 2 दूसरे की वैल्यू माइनस sin 4 थीटा 2 सो माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 मॉडुलस ऑफ माइनस 1 फाइनल आंसर 1 क्लियर यस सबको क्लियर बच्चों सर हां सर किसी को डाउट इसमें यस सर बोल बच्चे सर ऋषभ हियर Sir, in the last equation, can you just explain how cos theta 0 and cos theta 1 are the roots? Yeah, sir. Haan, sir. I'm not happy to explain that. 10 baar samjha chuka hoon abhi. T ki value kaun hai? T kisko rakha maine? Jaldi bata. Sir, cos theta. And theta kaun hai? Theta 0 and theta. Oh, okay, samajh gaya. Thank you, sir. Everyone else also clear? हाँ सर। थोड़ा सा theoretical question आते हैं energy down हो गया है ऐसा है? No sir। नहीं sir। sir मैंने mod दिखाई नहीं था। हाँ वो ठीक है। चल chapter is done clear everyone? Okay sir। Yes sir। Master। ये वो दो chapter हैं।